स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 का रिजल्ट कब आएगा तथा इसके लिए आंसर की और ऑब्जेक्शन डेट कब तक शुरू हो सकता है। जैसा कि आपने कई चैनलों पर देखा होगा कि इसका आंसर की जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन अब ये तिथि परिवर्तित कर दी गई है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आपको पता होगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका आंसर की आने वाली थी और आंसर की आने के बाद ही आपके लिए ऑब्जेक्शन वाली विंडो मिल गई होती। ऑब्जेक्शन के लिए आपको 10 दिनों का समय मिलता और 10 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता। इस तरह पहले के हिसाब से रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आ सकता था, लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है और इसके लिए एक अपडेट भी आई है। तो चलिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए वो अपडेट दिखाते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इसके लिए हम आपको द इंडियन एक्सप्रेस के होम पेज पर लेके आते हैं। यहाँ पे आपको जाना होगा नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा गया है आरआरबी ग्रुप डी आंसर की टू रिलीज ऑन जनवरी 11 कन्फर्म ऑफिशियल। मतलब कि ये ऑफिशियल कन्फर्म हो चुका है कि 11 जनवरी को इसका आंसर की आएगा। अब चलिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए और कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिलीज द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन ऑन जनवरी 11। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आंसर की है वो 11 जनवरी को आ जाएगी। यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है, चलिए हम आपको इसे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए इसे हम कॉपी कर लिया। इसके बाद हम चले जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके हम गूगल ट्रांसलेट खोलते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो आपका सेंटेंस है ये पूरी तरह हिंदी में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि आरआरबी ग्रुप डी की उत्तर कुंजी 2018 रेलवे भर्ती बोर्ड 11 जनवरी को ग्रुप डी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 जनवरी 2019 को जारी होगी। आपत्तियां उठाने के लिए ऑनलाइन विंडो आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर 17 जनवरी से मिल जाएगा। और ये बताया है वहाँ के कोई अधिकारी है अंगराज मोहन, उन्होंने बताया कि ग्रुप डी के परीक्षा परिणामों को फरवरी में घोषित किया जाएगा, ऐसा आधिकारिक उल्लेख किया गया है। यहाँ पे और बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 1.89 करोड़ अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, जो कि 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित हुई थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियर हो चुका है कि 11 जनवरी को आंसर किया जाएगी और उसके बाद 17 जनवरी से आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए विंडो मिल जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट फरवरी महीने में आ जाएगा। अब ये फरवरी महीने के सेकेंड वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये था अपडेट। अगर आप इस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से जाके आप इसे एज प्रूफ देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।